नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मिलिंद रेगे और जय कुमार प्रसाद की दोहरी जिंदगी की रहस्यमयी कहानी का तीसरा और आखिरी भाग। किस तरह से जय कुमार प्रसाद को सजा और जुर्म की जिंदगी से बचाकर एक नया नाम, एक नए चेहरे की जिंदगी दी गई। क्या वाकई जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे एक ही इंसान की दो पहचान, दो नाम, दो रूप थे? हेलो, मिसेस स्वाति गुहा। हाँ जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर सेन बोल रहा हूँ, आपसे मिलना है। पर किस बारे में? आपके भाई जय कुमार प्रसाद के बारे में। ये मेरा भाई नहीं है। कौन है ये? मिसेस स्वाति गुहा, अक्टूबर 2005 में पैरोल पर बाहर होने के बाद से आपका भाई गायब है। मैं जानती हूँ कि वो गायब है। मैं ये भी जानती हूँ कि उसकी वजह से पुलिस को और जेल अथॉरिटीज को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी? एक जवान बेटा अचानक गायब हो जाता है तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, उसकी छोटी बहन पर क्या गुजरी होगी? और आप हैं कि किसी अजनबी की फ़ोटो लाकर कह रहे हैं कि ये मेरा भाई जय है। ये है मेरा भाई जय, विश्वास कीजिए मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। कई दिनों तक हम सब ये मानने को राजी ही नहीं थे कि वो कहीं चला गया, पर जैसे जैसे समय गुजरा हमने ये मान लिया कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है, ये कैसी साजिश है जिसका कोई सुराग ही नहीं। बात बिल्कुल साफ है सर, जय कुमार प्रसाद के पिता का आप औहदा देखिए, ऐसा बाप अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकते। सर मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है, बाप ने बेटे को परोल पे बाहर लाने के लिए क्या नहीं किया, पूरा दम लगा दिया और आखिर में बेटा परोल से बाहर आता है और आने के साथ ही 9-10-11 गायब। तुम्हारा मतलब है उसकी फैमिली को सब कुछ पता था, नाम बदलना, नए नाम के साथ नए शहर में रहना, सब कुछ? यस सर, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि फैमिली वालों को कुछ पता ही नहीं था। सर, जय कुमार प्रसाद के पिता नारायण और उसकी बहन स्वाति पर 2400 घंटे नजर है और अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और वो मिलिंद रेगे, वो कहाँ घुस के बैठा है? सर वैसे एक बात है जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं। क्या? सर जय कुमार प्रसाद भागा 2005 में, फिर सीधे अभी बेंगलुरु में नजर आया नए नाम के साथ। पीकेएनडी ग्रोथ ज्वाइन होने के पहले के 6 साल ये कहाँ था? सर अगर इसके बीच की कड़ी को देखें तो शायद सब कड़ियां मिल जाए। जब तक मिलिंद रेगे कस्टडी में नहीं आता ये पता कर पाना बेहद मुश्किल था कि वही जय कुमार प्रसाद है। हालांकि इस बात के कई संकेत मिल रहे थे, 8 साल पहले का जय कुमार प्रसाद और इन बीच के 8 सालों का मिलिंद रेगे, इन दोनों का अतीत खोदा गया और तब जाकर एक के बाद एक इस गुत्थी की कड़ियां सुलझने लगी और यह सच सामने आया कि मुजरिम ने सजा से बचने के लिए किया क्या था। मैंने ही इंटरव्यू लिया था उसका, मुझे वो अच्छा कैंडिडेट लगा था इसलिए तो अपॉइंट किया था। आपने एक बात नोट की, आपको एक बात अजीब नहीं लगी? इसके बायोडाटा में प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मुझे उसने कहा था कि उसने पुणे की कुछ कंपनीज में मार्केटिंग का काम किया। अब सच कहूँ तो इस वक्त मुझे ठीक ठीक से याद नहीं। एक्चुअली इट वॉज ए पर्सनल इंटरव्यू, तो मैंने उसका बायोडाटा भी ठीक से देखा नहीं और जब उसने काम ज्वाइन किया तब भी उस पर शक नहीं हुआ क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट था। तुम्हारे साथ कब से रहने लगा था वो? यहाँ ज्वाइन होने के 2 महीने बाद से। इससे पहले कहाँ रहता था? ठीक से तो पता नहीं, बस एरिया का नाम मालूम है, गंगानगर लेआउट। उसकी लीज ख़त्म हो गई थी तो रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहा था और मुझे भी एक रूम पार्टनर चाहिए था तो वो मेरे साथ रहने आ गया। गंगानगर लेआउट बहुत बड़ा एरिया है सर, यहाँ बहुत सारी कॉलोनीज है। सारे जनरल स्टोर, किराना स्टोर, छान मारा।
अगर वो वहीं रहता था तो किसी ना किसी दुकान से कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करता ही होगा। ये आजकल के जनरेशन सब कुछ फोन पर ही तो ऑर्डर करती है। सर शेट्टी बोल। साहब एक खबर मिली। लक्ष्मी वेंकट स्टोर्स वाला मिलिंद रेगे को जानता है। एड्रेस पता चला? ये आदमी देखा तो है, नाम मालूम नहीं, पर हमेशा आता था। मेरा लड़का उसके घर सामान लेके जाता था। एड्रेस मालूम है? गिरिजा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर मेरे ख्याल से A301। हाँ, A301। मैं बिल्डिंग जाके देखा, मिलिंद रेगे उधर किराए पर रहता था। एड्रेस है A301 गिरिजा अपार्टमेंट, अभी मालिक खुद उधर रहता है। बढ़िया, अब तू होटलों पे नजर रख। जी साहब। एग्रीमेंट था, हम लोग तब कोची में था, फिर हम इधर रहने को आया। हमें उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या था, कहां से आया था। वो सब तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन लड़का एकदम अच्छा, किराया एकदम टाइम पर, कभी लेट नहीं किया, बाकी सब मालूम नहीं। आप एक काम करो, इधर हमारा पड़ोसी है हेगड़े, उसके साथ बात करो, वो जरूर बात किया होगा उसके साथ। नमस्कार शिवन्ना। नमस्कार। वो मेरा टेनेंट था ना मिलिंद। हाँ, उसके बारे में कुछ पूछने गए इनको। वेरी गुड बॉय। पुणे से उसका अंकल आंटी आता था उसको मिलने के लिए। आपने देखा था हम दोनों? हाँ, एक दो बार देखा। यही थे उसके अंकल आंटी? ठीक से याद नहीं, हो सकता यही। सर, या तो माँ बाप या फिर सुरेश माधवन और उसकी पत्नी कावेरी माधवन। ये माधवन वही दूर के रिश्तेदार है ना जिनके घर जय परोल से बाहर आने के बाद रुका था? जी सर, सरकारी ऑफिसर है, अहमदाबाद का है। सर, मेरे क्लाइंट मिस्टर नारायण प्रसाद जी ने अपने बेटे जय कुमार प्रसाद जी के परोल के लिए तीसरी बार अपील की है। जय कुमार जी की माँ बहुत ही बीमार है सर, बेटे के जेल जाने के बाद से वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। सर, नारायण प्रसाद एक सीनियर लेवल के सरकारी ऑफिसर है, काफी दबदबा है उनका, लिहाजा ये मुमकिन है कि वो अपने बेटे को छुड़ाकर सरकारी मुलाजमों पर इतना दबाव बनाए कि वो दोबारा कभी वापस जेल में आए ही नहीं। सर, नारायण प्रसाद जी की धर्म पत्नी मालती प्रसाद इस वक्त अहमदाबाद में है और वो मिस्टर सुरेश माधवन जी के घर पर है। मिस्टर सुरेश माधवन जी एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। पैरोल के दौरान मिस्टर जय कुमार भी उन्हीं के घर पर रहेंगे। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये पैरोल की मंजूरी दे दी जाए, और अगर जेल के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा रहा है। सर, आप चाहें तो जेल के रिकॉर्ड्स को चेक करवा सकते हैं। ये अदालत जय कुमार प्रसाद को 15 दिन पैरोल पे जाने की इजाजत देती है, बशर्ते कि उन दिनों में ये अहमदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे और हर दूसरे दिन पुलिस चौकी में हाजिरी देंगे। इस मिलिंद रेगे के बारे में कोई एक लीड तो हाथ लगे, कोई भी एक लीड, चाहे उसके अंकल आंटी ही पकड़ में आ जाए। ये तो 100% है कि उसके अंकल आंटी पूना के रहने वाले नहीं, पर सवाल ये है कि कौन आता था अंकल आंटी बनकर। मैं सुरेश माधवन और उसकी पत्नी से बात करता हूँ, पर मुझे शक है कि वो ये बात कभी नहीं मानेंगे कि उनका इस केस में कोई हाथ था। पिछली बार जब हम जय कुमार प्रसाद को तलाश रहे थे तब भी मैंने उनसे पूछताछ की थी। ये बात है नवंबर 2005 की। मैंने कोलकाता पुलिस को भी जय के माँ बाप और बहन पर नजर रखने के लिए कहा है। इस मामले पर इससे पहले कि मीडिया तूल पकड़े, मिलिंद रेगे का हमारे हाथ आना बहुत जरूरी है।
अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो तुम्हें जेल क्यों हुई थी? पता नहीं ये कैसा जवाब है? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझसे गलती हो गई और उस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुका चुका हूं। और वो गलती क्या थी? गलती नहीं, क्राइम। तुम्हें जेल हुई थी तुमने कहा, और मामला किसी लड़की से रिलेटेड था। अगर तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं क्या समझूंगी मिलन? रेनू, वो गलती दिन रात मेरा पीछा करती है। काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकता, ताकि उस अतीत को मिटा सकूं मैं। तुम अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते? I just fail to understand कि आप मुझे बार बार यहां क्यों बुला रहे हैं। अब यही बात मैं बार बार क्यों दोहरा हूं? मुझे नहीं पता क्या हुआ, कहां गया वो? बस गायब हो गया एक दिन। आप अहमदाबाद पुलिस से वेरीफाई कर सकते हैं। दिसंबर 2005 में उन्होंने यही सवाल मुझसे हजार बार किया था। मेरा जवाब तब भी यही था, अब भी यही है। मिस्टर प्रसाद, मिलिंद रेगे कहीं छिप गया है, हमारे हाथ नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूं? वो मेरा बेटा है ही नहीं। अब वो छिपे, पकड़ा जाए, गायब हो जाए, मैं क्या करूं? अब और क्या है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं? यह जबरदस्ती कबूल कराना चाहते कि वो मेरा ही बेटा? मिस्टर गोहिल, आप जो रिकॉर्ड चेक करना चाहें कर सकते हैं। ना मैं और ना ही मेरी पत्नी, हम दोनों में से कोई भी कभी भी बेंगलुरु नहीं गया। और जहां तक जय कुमार प्रसाद का सवाल है, 21 अक्टूबर 2005 को वो हमारे घर से चला गया था, और उसके बाद से लेकर आज तक मैंने उसे नहीं देखा। और आपके कहने के अनुसार वो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक 21 तारीख को हाजिरी देने आया था। ये अदालत जय कुमार प्रसाद को 15 दिन पैरोल पे जाने की इजाजत देती है, बशर्ते कि उन दिनों में ये अहमदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे और हर दूसरे दिन पुलिस चौकी में हाजिरी देंगे। परसों तुम्हारी पैरोल का आखिरी दिन है, तुम्हें ठीक 10 बजे रिपोर्ट करना है। तारीख याद रहे, 23 अक्टूबर। वो 21 तारीख को यहाँ से निकला था ये कहकर के पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ, 21 तारीख को हमारे पास आया था और मैंने उसे कहा था कि 23 तारीख को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है और सरेंडर करना है। है कहाँ पर माधव साहब? दोपहर के 3 बज चुके हैं। वो परसों घर लौटा ही नहीं। देखिए माधव साहब, अब एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर जय वापस नहीं आया तो हम भी मुसीबत में फंसेंगे और आप भी। अब मुझे लगा कि उसने 21 तारीख को ही सरेंडर कर दिया। आपको लगा? आपको यह लगा कि उसने 21 तारीख को ही सरेंडर कर दिया? ऐसा कभी हो सकता है कि वो आपको बिना बताए सरेंडर कर दे? खैर, मुझे ये बताइए कि इसके माता पिता कहाँ हैं? मिस्टर नारायण प्रसाद और मिसेस मालती प्रसाद। वो तो एक हफ्ता पहले ही चले गए। जय बहुत ही डिप्रेस रहा करता था, जेल वापस जाने के नाम से ही उसे कुछ हो जाता था। सोचा करता था कि बस कुछ ही दिनों के लिए वो फ्री है। हमने उसे काउंसलिंग के लिए भी भेजा था। जया नहीं है। ये चक्कर क्या है मिस्टर नारायण प्रसाद? बेटा लापता है और आप में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। हम सच कह रहे हैं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत सही लिया मैंने, मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है। मैं कसूर था, सजा काट रहा था। अब वो कहाँ है वही जाने। हम दोनों तो एक हफ्ते उसके साथ अहमदाबाद रहकर वापस चले आए,
उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो काफी डिस्टर्ब था, मेंटली डिस्टर्ब। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जानता हूं कि आप एक सीनियर लेवल ऑफिसर हैं, आपके हर जगह कनेक्शंस हैं, और हमारे पास हजार वजह हैं ये मानने के लिए कि आप हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। आपके बेटे को पकड़ना मेरी ड्यूटी है और उसे उसकी सही जगह दिखाने और सही ठिकाने पहुंचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम किसके साथ बात कर रहे हो जानते हो? जानते हो मेरी पोजीशन क्या है? सर मैं मानता हूं कि मैं आपके सामने बहुत जूनियर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ और कानून के साथ घर बैठकर फुटबॉल खेलें। चलो। मुझे इस फैमिली की सारी फोन कॉल हिस्ट्री चाहिए। पिछले 15 दिनों में इन्होंने कहां कहां और किस किस से बात की। मुझे पूरा यकीन है कि जय को भगाने में इन सब का हाथ है। हेलो, दिस इज स्वामीनाथन हियर। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर प्रसाद जैसे सीनियर ऑफिसर से इस तरीके से बात करने की? तुम्हें क्या लगता है वो कोई ऐसे वैसे सड़क छाप इंसान है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मुझे पता है वो कौन है, उनकी हैसियत क्या है, लेकिन सर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका बेटा जय कुमार प्रसाद, जो कि पैरोल से भाग गया है। तो इससे क्या साबित होता है मिस्टर प्रसाद का उसमें हाथ है? सर मैं तहकीकात कर रहा हूँ। और सर आपको नहीं लगता कि सबसे पहले शक की सुई उनके परिवार पर जाएगी? मिस्टर नारायण प्रसाद ने कितनी कोशिश की थी इस पैरोल के लिए और श्योरिटी भी उन्होंने ही दी थी। अब जबकि उनका बेटा नहीं लौटा है तो शक की सुई उन पर ही रुकेगी ना। लिसन गोहिल, अगली बार तुम किसी सीनियर ऑफिसर के घर जाओगे तो उसके पहले अपने सीनियर से परमिशन लोगे। Do you understand me? और मैं इस केस को ऊपर तक ले जाऊंगा, याद रखना। सर 3 हफ्ते हो चुके हैं जय कुमार प्रसाद गायब है। उनके पिता नारायण प्रसाद जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, उन्होंने अपने बेटे की श्योरिटी दी थी, लेकिन अब वो खुद हाथ झटक के ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस को फुटबॉल की तरह यहां से वहां उछाला जा रहा है, कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात की पूरी आशंका है कि जय कुमार प्रसाद के गायब होने में उनके पिता का हाथ है। कुछ बड़े लोगों ने कानून को मजाक बना के रख दिया है। ये अदालत मिस्टर नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है और उन्हें स्पष्ट ताकीद देती है, क्योंकि उन्होंने इस कोर्ट को वचन दिया था, इसलिए कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना अब उनका फर्ज है। पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमारे पास उनका अरेस्ट वारंट है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कहां है। मुझे नहीं पता वो कहां गया, कहां है भी या नहीं, कुछ नहीं पता। अगर मैं बेकसूर नहीं होता तो मुझे सर्विस में रीइंस्टेट नहीं किया जाता, मुझे मेरे रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया। माय डिग्निटी इज इंटैक्ट। मुझे मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
क्या रे शेट्टी, कुछ खबर मिलेगी? बस साहब सुनोगे तो डेढ़ फुट ऊपर जाओगे। इधर एक होटल है, उधर एक रूम बॉय है, मैं उसके खीसे में डाला और कुछ खबर निकाला साहब। साहब उधर होटल में कस्टमर है जो तीन दिन से रूम के बाहर नहीं निकला। होटल का नाम बोल और रूम नंबर बता। फिलहाल वो हमारी हिरासत में है, बस ये गट लगाया है कि वो जय कुमार प्रसाद नहीं है। आखिरकार मिलिंद रेगे पुलिस के हाथ लगी गया, लेकिन अब भी बहुत सारी कड़ियां थी जिनका एक दूसरे से मिलना बहुत दूर था। कई गुत्थियां सुलझनी बाकी थी, ये साबित करना बाकी था कि मिलिंद रेगे ही जय कुमार प्रसाद है। मिलिंद बार बार यही बात दोहरा रहा था कि ना तो वो जय कुमार प्रसाद है और ना ही वो ऐसे किसी शख्स को जानता है। मेरा नाम मिलिंद रेगे है और मैं किसी भी जय कुमार प्रसाद को नहीं जानता हूं। तेरे माँ बाप बहन सब आ रहे हैं, उनको तो जानते हैं। बाप का नाम नारायण प्रसाद, माँ का नाम मालती प्रसाद और बहन स्वाति। कौन है ये सब लोग? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। इसके पास के सारे सर्टिफिकेट्स कोलकाता के और इन सब पे नाम है जय कुमार प्रसाद। बढ़िया, मानना पड़ेगा बंदे को। टस्से मस होने को तैयार नहीं है, छाती ठोक कर कह रहा है कि वो जय कुमार प्रसाद नहीं है। हम भी वो सारी डिटेल्स इकट्ठा करेंगे जिससे खुद ब खुद ये साबित हो जाएगा कि जय कुमार प्रसाद ही है। ये हैं जय कुमार प्रसाद के आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स, ये जो हमारे रिकॉर्ड में है, और ये उसके दस्तखत। वो अब भी खुद को मिलिंद रेगे साबित करने पर तुला है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। हमें तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। राइट आर्म और पीठ के निशान पूरी तरह से जयकुमार प्रसाद से मैच करते हैं। काफी होशियार है, 8 सालों में खुद की हैंडराइटिंग बदलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब भी कुछ लेटर्स, कर्व्स और सेसी से साफ पहचाना जा सकता है कि यह हैंडराइटिंग जयकुमार प्रसाद की ही है। मिलिंद रेगे उर्फ जयकुमार प्रसाद, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तू ही जय कुमार प्रसाद है। अब भी छाती ठोक कर तू यही कहेगा कि तू वो नहीं है? हाँ, सर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट निर्दोष हैं। वी लाइक टू एंटर द प्ली एज नॉट गिल्टी। मिस्टर जय कुमार प्रसाद और मिस एलिस स्मिथ के बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ वो इन दोनों की मर्जी और रजामंदी से हुआ। इट वॉज कॉन्सेंशुअल। मिस एलिस स्मिथ मेरे क्लाइंट मिस्टर जय कुमार प्रसाद को बदनाम करना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये एक रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं।
हमारे पास ठोस सबूत है जो यह साबित करता है कि जय कुमार प्रसाद ने मिस एलिस स्मिथ के साथ जो किया वो जबरदस्ती थी। और ये बात मैं सिर्फ मिस एलिस स्मिथ के बयान के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बात मेडिकली प्रूव भी हो चुकी है। प्लीज सर, मैं अपने गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। सर, 15 फरवरी 2005 की रात मैंने मैडम को खाना का सर्विस किया था, और अगले दिन सुबह जब मैं क्लियरिंग के लिए गया तो साहब खाना तो वैसा का वैसा ही पड़ा था। रूम सर्विस मैडम। हेलो मैम। और साहब मैडम बहुत परेशान लग रही थी, जमीन पर लैंप, पानी का ग्लास सब टूटा पड़ा था, कांच ही कांच था साहब। मैं तुरंत जाकर होटल मैनेजर को बोला। रूम बॉय शैलेश ने वहाँ जो कुछ भी देखा मुझे आके बताया, फिर मैंने दूसरा लड़का वहाँ कांच वांच की सफाई के लिए भेजा। आपके क्लीनिंग स्टाफ बॉय पराग ने वापस आकर आपको क्या बताया? करीब 4 बजे के आसपास पराग आके बोला कि उसने मिस्टर जय और मैडम एलिस के बीच में काफी गर्मा गर्मी की बातें होती सुनी। एलिस, एलिस, वी हैव टू लीव फॉर सूरत, एलिस, वी हैव बुकिंग्स। साहब, जैसा आप बहुत घबराए हुए थे, फिर मैडम जी ने दरवाजा खोला। We can talk about this. I'm really sorry for what happened. It didn't happen. You forced yourself on me. I can't say no, Jay. Alice, I was out of my senses. Please, Alice. साहब, मैडम जी की अंग्रेजी तो मुझे उतनी समझ नहीं आई, पर इतना जरूर समझ में आया कि दोनों के बीच सॉलिड झगड़ा हुआ है। और साहब, सुबह से ही होटल में खुसुर-फुसुर हो रही थी कि मैडम जी के कमरे में कुछ हुआ था रात को, और फिर मैं मैनेजर साहब को जाके बताया, और फिर उतने में पुलिस आ गई। Miss Alice Smith, you claim that Jay forced himself on you, is it? Yes, that's right. I think it was you who invited him to your room for dinner. Yes. And then you offered him wine. Right. Why didn't you shout? I mean, when Jay forced himself on you, you could have screamed. You could have asked for some help. He was accompanying me as a friend. He knew Steve well. Steve couldn't come, so Jay offered he will come. We stayed in separate rooms. Yes, I invited him to my room for the dinner. But just because I had ordered the dinner and we were friends, and that's what friends do. I had a bottle of wine, so I offered him a wine, just like a friend offering each other. I could have never imagined a friend would do this to me, what Jay did. I kept telling him he was offending me. He continued. He was out of his senses. I too had a glass of wine. It was a tiring day. We spent entire day in the sun. He was powerful. He didn't listen to me. He overpowered me. I couldn't shout. If I couldn't shout, it doesn't mean that I have considered of what he was doing to me. जैसे कि डिफेंडेंट जय कुमार प्रसाद ने कहा कि उन दोनों के बीच जो हुआ है वो उनकी मर्जी से हुआ, ये सच नहीं है। सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जय कुमार प्रसाद पे लगाए आरोप सब सही हैं। दिस कोर्ट सेंटेंसेस जय कुमार प्रसाद टू 7 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मैं ही जय कुमार प्रसाद हूं। परसों पहले मुझसे एक गलती हुई थी और उसकी सजा सहने की ताकत नहीं थी मुझे। मैंने जो कुछ भी किया मैं वो करना नहीं चाहता था। मैं तो होश में ही नहीं था और मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं मैं।
ये मेरा बेटा जय ही है। अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आई नो, पर ऐसा ही हुआ है। और हमें अभी तक ये पता नहीं कि वो लेटर आखिर हमें भेजा किसने था। साल तक एक आदमी ने एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी जी, तब तक जब तक किसी ने उसके चेहरे से नकाब उतारकर फेंकने का निश्चय नहीं किया। मिलिंद का कहना है कि उसके परिवार को उसकी नई पहचान की जानकारी ही नहीं थी, ना उसकी माँ को, ना पिता को, ना बहन को। उसके बयान के मुताबिक वो सब निर्दोष है। अब तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी यही सामने आया है कि ना सिर्फ मिलिंद उर्फ जय कुमार प्रसाद के पिता बल्कि उनका पूरा परिवार निर्दोष है। लेकिन पैरोल पर बाहर आया जय अचानक गायब हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे कि इतनी आसानी से उसने अपना नाम, अपनी पहचान बदल ली और दूसरे शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर दी? किसने उसको सहारा दिया? किसने उसकी मदद की? किसने उसे बचाया? या फिर हम यूं कहें कि किस किसने? जय कुमार प्रसाद से मिलिंद रेगे बनने के बीच के उन बरसों में कौन उसकी मदद कर रहा था? ये यकीन से परे है, सोच से परे है, पर यह कल्पना नहीं है किसी लेखक की। सत्ता, ताकत और सत्ता का प्रभाव वो काम करवा सकता है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। आम आदमी क्या कर सकता है? सवाल। यस, आम आदमी सवाल कर सकता है, और अगर जवाबों की जगह सिर्फ खामोशी हो तो खामोशी से उस खामोशी को ही जवाब मान सकता है। ये रेप केस ट्रायल उन केसेस में से था जिसमें कम से कम समय में फैसला सुनाया गया, लेकिन ऐसा हर केस में क्यों नहीं होता? ये सवाल हर आदमी के मन में होता है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। अब मिलिंद रेगे पर नए चार्जेस लगे हैं, नकली पेपर्स तैयार करने के और धोखाधड़ी करने के। इस केस की चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है और इस केस की सुनवाई की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है इस सवाल का भी हमारे पास अब तक कोई जवाब नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और हाँ, शायद आपके और हमारे सवालों के जवाब ना मिले, लेकिन आप और हम सवाल पूछते रहेंगे। जय हिंद।